नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल संदेश का चैनल हर खबर और हमारी नजर। उदरहा विकास खंड के ग्राम पंचायत कचहरी में 5 लाभार्थियों ने सरकारी राशन वितरण में अनियमितता की शिकायत जिला अधिकारी व पूर्त अधिकारी से किया। जिला पूर्त अधिकारी ने 3 सदस्यीय टीम गठित करने करके जांच के लिए भेजा। उदरहा विकास खंड के ग्राम पंचायत कचहरी में चौकीदार गिरिजा देवी द्वारा राशन वितरण में भारी अनियमितता बरती जा रही है। सोमवार को कचहरी निवासी पूजा किरण सोनी प्रकृति किताबी राजमती राजमुनी सोनी रिंकी मौलिक लीला सरोजा सहित लाभार्थियों ने जिला अधिकारी व जिला पूर्त अधिकारी को शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया था कि कोरेदार गिरिजा देवी द्वारा सरकारी राशन के वितरण में भारी अनियमितता बरती जा रही है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया था कि महीने में 2 बार अंगूठा लगवाकर 1 बार ही राशन का वितरण किया जाता है, चना नमक और तेल को दिया ही नहीं जा रहा है। जिला पूर्त अधिकारी ने मामले का तुरंत संज्ञान लेकर गांव में 3 सदस्यीय टीम को भेजा है। जांच करने मौके पर पहुंचे पूर्त निरीक्षक सदर रमेश कुमार वर्मा ने बताया कि जांच में भारी अनियमितता निकल के सामने आई है। कार्रवाई के लिए जांच रिपोर्ट आज ही उच्च अधिकारियों को सौंप दी जाएगी। मौके पर जांच टीम ने हाँ बताओ क्या समस्या है? राशन कार्ड फेंक दी है। के फेंक दी? गाड़ी फेंक दे रहे हैं। कहाँ नाम है कोटदार के? तो क्यों फाड़ के फेंक दिया? आप राशन लेने गए थे तब? इमरजेंसी मारा है। अच्छा, आपको मारे भी हैं? हाँ, कौन है मल्ले हैं। अच्छा, तो कितने दिन से समस्या है? तो मैडम 2-3 महीने हो गए। तो इस ग्राम पंचायत में है आप? हाँ। कौन सा गांव? कौन सा गांव? गांव कौन सा है? बताएं क्या समस्या है आपका? समस्या ये बात कि कुछ पावत नहीं है। मतलब जैसे राशन वासन नहीं मिल रहा है? जैसे महीने में 2 बार फ्री राशन मिलता हो, आपको नहीं मिला? एक बार का बोला ना मिला ला दूधा अंकल लगाओ कालू हो खदे दिया ना। अच्छा, और उसके साथ जो चीनी रिफाइन हो चना होना मिला वो भी नहीं मिला? क्या नाम है उसका कुटदार का? गिरिया देवी। गिरिया देवी। कौन सा ग्राम पंचायत है?